राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान राकपा नेता नवाब मलिक का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका गया। राकपा नेता नवाब मलिक द्वारा एक देशद्रोही से जमीन का लेन देन किया गया है। ऐसा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए जाने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्ष शिवानी दानी ने कहा कि नवाब मलिक द्वारा किया गया कृत्य बेहद ही निंदनीय है। वहीं मुन्ना यादव पर लगाए गए आरोपों पर उनका कहना था कि बदला लेने की दृष्टि से राजनीति की जा रही है। इस दौरान नवाब मलिक का विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवाब मलिक का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। आज आम्ही देशद्रोही नवाब मलिक यांच्या विरुद्ध इथे आंदोलन करतो आहे। भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे हे आंदोलन होत आहे। ज्या प्रकारे नवाब मलिक यांनी आतंकवाद्याशी संबंध असलेल्या लोकांकडून जमिनीचे व्यवहार केले, जे अतिशय निंदनीय आहे। आतंकवाद्यांशी संबंध ठेवणं हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही सहन करू शकत नाही। हे हा एक कुठलंही म्हणजे याला देशद्रोहच म्हणतात आणि देशद्रोही नवाब मलिकचा आम्ही इथे निषेध करतो आहोत। नवाब मलिक यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा ही भारतीय जनता युवा मोर्चाची मागणी आहे। मुन्ना यादववर वेगवेगळ्या केसेस असतील पण आमचे नेते आहेत। मुन्ना यादववर कुठली ड्रगची केस नाही, कुठली इतर अशा संबंधित केस नाही। हे राजकारणाचा सूड उगवण्याचा कार्यक्रम नवाब मलिक करतात। कुठलं तरी शिंतोडे उडवायचे, देवेंजींवर शिंतोडे उडवायचे, त्यांचे मित्रच म्हणून त्यांच्याबद्दल बोलायचं, याच्याशिवाय याच्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही।